Hey, I welcome you in KK's Education. This is Chapter 3, Indian Constitution. In this chapter, we are going to discuss about the Constitution of India as well as how our Constitution formed, some salient features of our Constitution. We are going to discuss all these topics. Okay, then let us begin. Heli, Priyansi and Sachin are watching the final match of World Cup of 2011 on TV with their parents. Heli, Priyansi और सचिन जो है वो अपने माता पिता के साथ 2011 का विश्व कप का जो मैच है फाइनल मैच उसे देख रहे हैं. An exciting match is going on between India और श्रीलंका. एक बहुत ही रोमांचक मैच जो है, बहुत ही अच्छा मजेदार मैच जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच हो रहा है. Who will win the World Cup? India और श्रीलंका, ये World Cup आखिर जीतेगा कौन, भारत या श्रीलंका? श्रीलंका had put up a challenging target for India to achieve. श्रीलंका ने एक बहुत ही अच्छा, बढ़िया खासा, तगड़ा खासा एक टारगेट इंडिया के सामने रख तो दिया है. But with the fearless batting of Indian captain महेंद्र सिंह धोनी, पर महेंद्र सिंह धोनी की ताबड़तोड़ निडर बल्लेबाजी के सामने आखिर भारत वर्ल्ड कप जो है वो जीत जाता है. Everyone was rejoicing in the victory. सभी के सभी लोग जो है वो जीत में खुश हो रहे थे, जीत की खुशियां मना रहे थे. Heli said to her mother while watching TV. Heli जब टीवी देख रही थी तब उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी द प्रीवियस मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया रिजल्टेड इन अ टाई. जो पिछला मैच था भारत और इंग्लैंड के बीच में वो टाई हो गया था. What does it mean? उसका मतलब क्या होता है? नीता बेन said. नीता बेन यानी कौन? Heli की मामा. वो बोलती हैं, Heli, for a popular game like cricket, the ICC has systematically formed rules. ICC के पास प्रसिद्ध खेल जैसे कि क्रिकेट हो गया, उनके लिए उनके पास व्यवस्थित नियम व्यवस्थित कायदे कानून बनाए हुए होते हैं. A tie in a match means that both the teams have an equal score. किसी भी मैच का टाई होना मतलब दोनों ही टीम के पास एक जैसे स्कोर. Now even the games like football, hockey, kabaddi have their own sets of rule. कबड्डी हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल, इन सभी गेमों में भी उनके खुद के बनाए हुए नियम होते हैं. If a game has so many rules, अगर किसी खेल में इतने ज्यादा नियम हो सकते हैं ताकि खेल अच्छे से चल सके, then to run the administration of a populous nation, we surely require well-framed rules. तो इतने बड़े, इतनी भारी जनसंख्या वाले देश को अच्छे से चलाने के लिए, उसके प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए हमें निश्चित तौर से कायदे कानून की जरूरत पड़ेगी. अच्छे कायदे, अच्छे बनाए हुए नियम कायदे कानून की जरूरत पड़ेगी. तो ये हो गई नियमों की बात. अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे. ये जो आप पेज देख रहे हैं ना, ये है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीम्बल. प्रीम्बल यानी प्रस्तावना. हमारे जो संविधान की शुरुआत हुई है वो इस प्रीम्बल से ही हुई है. तो स्टार्ट करते हैं प्रीम्बल. वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. हम जो भारत के नागरिक हैं वो अपने भारत देश को सार्वभौमिक, सार्वभौमिक यानी विश्वव्यापी, विश्व में सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए, सबसे ऊंचा स्थान दिलाने के लिए, उसे समाजवादी बनाने के लिए, सेक्युलर यानी धर्म निरपेक्ष, ऐसा देश जहाँ पे किसी भी धर्म, धर्म यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी धर्मों के बीच में कोई भी भेदभाव ना हो, सभी को एक समान अधिकार मिले, धर्म के नाम पर किसी के बीच में भेदभाव ना हो, ऐसा देश, ऐसा धर्म निरपेक्ष देश, सेक्युलर कंट्री. डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक यानी लोकशाही, जहां पर लोगों का राज चलता हो, लोगों, लोग जो है वो सर्वोपरि हो. रिपब्लिक, रिपब्लिक यानी गणतंत्र, गणतंत्र यानी
ऐसा देश जो किसी व्यक्ति द्वारा ना चलता हो, किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि व्यक्ति के गण समूह द्वारा वो देश चलाता चलता हो, उसे हम रिपब्लिक कहते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को सार्वभौमिक सोशलिस्ट यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, रिपब्लिक, गणतंत्र देश बनाएंगे, बनाने का संकल्प लेते हैं। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और देश के तमाम नागरिकों को न्याय। कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। भारत के सभी नागरिकों को वाणी, विचार, धर्म, मान्यता तथा पूजा करने की स्वतंत्रता। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, उन्हें एक समान प्रतिष्ठा प्राप्त हो तथा एक समान अवसर मिले, ये हम अज्योर करते हैं, यानी कि ये हम विश्वास दिलाते हैं। एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, अज्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और सभी लोगों को उनका गौरव मिले तथा भारत के देश की एकता और अखंडता के लिए हम भाईचारे की भावना को प्रचार प्रसार करेंगे, यानी उस भाईचारे की भावना को अधिक से अधिक प्रमाण में उजागर करने की कोशिश करेंगे। इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान सभा में हम 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान को अपनाते हैं तथा अपना खुद को इस संविधान के प्रति समर्पित करते हैं। तो ये था हमारा संविधान का प्रीम्बल, जिससे हमारे संविधान की शुरुआत होती है। अब आगे हम जानते हैं कि संविधान मतलब होता क्या है, किसी भी देश का संविधान मतलब क्या। तो किसी भी देश का संविधान की डेफिनेशन है अ सिस्टमेटिक कंपाइलेशन ऑफ सेट ऑफ रूल्स टू रन द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। किसी भी देश के प्रशासन को अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए जो नियमों का संग्रह किया है, जो नियम हमने बनाए हैं, उसे हम उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान कहते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन रिटन और अनरिटन फॉर्म। संविधान जो है वो लिखित स्वरूप में या फिर बिना लिखे अलिखित स्वरूप में भी हो सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द प्रिम्बल। पहले ही बताया मैंने आपको कि हमारा जो संविधान है वो प्रस्तावना से शुरू होता है। प्रिम्बल जो है वो उसका ऐसे समझ लो फर्स्ट पेज है। आगे ये दूसरा टॉपिक है हमारा, हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म। भारत का जो संविधान है वो कैसे बना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द स्टेटमेंट ऑफ नेशनल गोल्स एंड एम्स। भारत का जो संविधान है वो देश के उद्देश्य तथा लक्ष्य का एक आधार स्तंभ है, जैसे कि डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी, इटीसी। अब देश का गोल और एम्स, उसका उद्देश्य और उसका लक्ष्य आखिर है क्या? तो उसका लक्ष्य क्या है? देश को एक डेमोक्रेसी यानी कि एक लोकतांत्रिक देश बनाना, समाजवादी देश बनाना, धर्मनिरपेक्ष, जहां किन्हीं भी दो धर्मों के बीच में कोई भी भेदभाव ना हो, और देश की एकता बनाए रखना। ये ऐसे राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनका जो आधार स्तंभ है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इस्टेब्लिश्ड। और अब अपने संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना हुई। इट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 9th दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 से इसने काम करना शुरू कर दिया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑफ प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंगाइज्ड स्कॉलर्स एंड लीडर्स।
अब जो हमारी संविधान सभा थी वो प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध, और डिस्टिंग्विश्ड यानी प्रतिष्ठित, जिनकी बहुत जो बहुत अधिक प्रतिष्ठावान व्यक्ति थे, ऐसे विद्वानों और नेताओं से हमारे संविधान सभा का फॉर्मेशन यानी उनका निर्माण हुआ। देयर पॉलिटिकल विजन एंड फोरसाइट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उनकी जो राजनीतिक दृष्टि थी, मतलब राजनीति में वो जहाँ दूर दूर तक, जहाँ तक उनकी नजर जाती थी, उस दृष्टि का उपयोग किया उन्होंने। दीर्घ दृष्टि यानी फोरसाइट, यानी कि मतलब वो जितना दूर, मतलब जितना दूर तक वो देख सकते थे कि आगे जाकर ऐसी कौन कौन सी दिक्कत आएंगी देश में, जिसके सभी हल जो है संविधान में होने चाहिए, उन सभी का उपयोग किया उन्होंने। और उन सभी का उपयोग करके उन्होंने सारे नियमों को बनाए, जिसका बाद में संविधान में समावेश हुआ। लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह, इटीसी प्रोवाइडेड देयर गाइडेंस। नेता जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह, इन सभी लोगों ने अपना मार्गदर्शन दिया कि संविधान में किन-किन चीजों का समावेश किया जाए। फ्रैंक एंथनी रिप्रेजेंटेटेड द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मतलब ऐसी कम्युनिटी जो जिसमें ऐसे लोगों का समावेश हो, जो ऐसे लोग जो मतलब दो तरीके के लोग हो सकते हैं, जो मूल मुख्यतः ब्रिटिश में जिन्होंने जिनका जन्म हुआ हो पर वो भारत में काफी समय से रह रहे हो वो, या फिर दूसरा तो ये हो सकता है कि वो भारतीय निवासी हो और ब्रिटिश में काफी समय से रह रहे हो और वापस भारत में आए हो। इसे हम ऐसे लोगों को समाविष्ट करने वाली की कम्युनिटी है, जिसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहा जाता है। उसका जो उससे रिप्रेजेंट किया फ्रैंक एंथनी ने। एचपी मोदी रिप्रेजेंटेटेड द पारसी कम्युनिटी। पारसी कम्युनिटी यानी जिसमें पारसी धर्म के, पारसी समुदाय के लोगों को रिप्रेजेंट किया एचपी मोदी ने। तो आप देख सकते हैं कि मतलब संविधान में लगभग सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग जो थे, उन सभी लोगों का समावेश किया है, ताकि सभी धर्मों, सभी समुदाय की दृष्टि, सभी समुदाय की तरफ से जो भी बातें हैं वो संविधान में उनका संविधान में समावेश किया जा सके। इसीलिए सभी समुदाय का, सभी समुदाय में से का नेतृत्व करने वाले किसी जन को संविधान सभा में शामिल किया गया है। द कमिटी हैड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स लाइक अलादी कृष्ण, स्वामी अय्यर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी। और हमारी इस कमिटी में, इस गठन में बहुत सारे संविधान के विद्वान, जैसे कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, फिर कन्हैया माणिकलाल मुंशी, इत्यादि सभी लोगों को भी कमेटी में शामिल किया गया था। देयर वर फीमेल मेंबर्स लाइक सरोजनी नायडू एंड विजया लक्ष्मी पंडित। इस कमेटी में फीमेल मेंबर्स यानी कि महिलाएं भी थी, जैसे कि सरोजनी नायडू हो गई, विजया लक्ष्मी पंडित इत्यादि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूंट असेंबली। अब संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, के राष्ट्रपति के रूप में, के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद का चयन हुआ। देर वर अ नंबर ऑफ सब कमिटीज टू टेक केयर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान के अलग अलग पहलुओं को, अलग अलग पक्ष को ध्यान में रख करके उन सभी पक्षों के लिए अलग अलग गठन का निर्माण किया गया था, सब गठन का निर्माण किया गया था। द ड्राफ्टिंग कमिटी विच वॉज हेडेड बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
गेव टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स फाइनल शेप, और उसमें थी एक ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी जो संविधान को उसका अंतिम रूप दे, और इस कमेटी की अध्यक्षता जो थी वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। टोटल 166 मीटिंग वर हेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन अ टाइम पीरियड ऑफ 2 years 11 months। पूरे 166 मीटिंग्स हुई थी संविधान सभा में, 166 मीटिंग का आयोजन किया गया था, और संविधान को बनने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करना चाहिए, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ऑन 26 नवंबर 1949 द कमेटी पास द कॉन्स्टिट्यूशन। 26 नवंबर 1949 को कमेटी ने संविधान को पास किया, विच वॉज इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950, जो 26 जनवरी 1950 को लागू की गई। यहाँ पर मौलाना आजाद, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, कन्हैयालाल मुंशी, ये सभी जाने माने जो अध्यक्ष है, जाने माने सदस्य कमेटी के, उनकी फोटोज दी गई हैं। अब हमें संविधान की जरूरत आखिर पड़ती क्यों है, थी क्यों हमें संविधान की जरूरत, उसके बारे में ये पूरा पैरा जो है वो डिस्कस कर रहा है। तो व्हाट इफ देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इफ देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, हमें आखिर संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर संविधान ना होता तो क्या होता। नो कंट्री कैन फंक्शन विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, बिना संविधान के कोई भी देश जो है वो काम नहीं कर सकता, अच्छे से चल नहीं सकता। अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व मैनी ऑब्जेक्टिव्स, संविधान जो है वो बहुत सारे उद्देश्यों को, हमारे देश के बहुत सारे काम को क्या करता है, पूरा करता है। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच फाइनली वेव द इथोस एंड आइडियल्स ऑफ आवर कंट्री, ये जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारी जो आचार तथा आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है, मतलब इसमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे नियम कायदे कानून अच्छी तरह से लिखे हुए हैं, अच्छे से लिखे हुए हैं, हमारे देश के आदर्श क्या हैं, हम किस आदर्श पर चलकर अपने सारे निर्णय लें, ये सब जो है इसमें पूरे अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट आवर कंट्री वुड हैव, ये बताता है कि हमारे देश में किस प्रकार की सरकार, किस प्रकार की सत्ता होगी। How to run the administration of our country? यह हमें ये बताता है कि किसी भी देश के प्रशासन कैसे चलेंगे, कैसे चलेगा देश का प्रशासन। In a democratic form of government, we elect our leaders so that they can run the administration on our behalf. अब हमारे देश में जो प्रशासन, हमारे देश में जो सरकार है वो लोकतांत्रिक, मतलब हमारे देश में लोकतांत्रिक, हमारा एक देश है वो लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश यानी हमारे यहाँ जो सरकार होती है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है, और देश के लोग जो है वही नेताओं को चुनते हैं जो देश के लोगों की तरफ से देश को चलाती है। हाउएवर देयर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू चेक द मिसयूज ऑफ पावर बाय लीडर्स, अगर हमें कभी भी ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा जो चुनी हुई सरकार है, जो हमारे द्वारा चुने हुए नेता हैं, वो अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो संविधान में इसका भी प्रावधान है। थिंग्स टू नो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड सम स्पेशल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। हमारा जो भारत का संविधान है उसमें ब्रिटेन के संविधान, आयरलैंड, फ्रांस तथा यूएसए के संविधान के जो खास जो फीचर्स है, जो उनकी विशेषताएं हैं, उनको अपने भारत के संविधान में शामिल किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, और जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे देश में।
नेक्स्ट टॉपिक इज सेलेंट फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं, क्या खास बात है हमारे संविधान की। तो सबसे पहला है डेमोक्रेटिक रूल, लोकतांत्रिक शासन। इंडिया हैज अडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम, भारत ने जो है वो लोकतांत्रिक प्रकार के शासन को स्वीकारा है। जनरल इलेक्शन आर हेल्ड इन आवर कंट्री एवरी 5 ईयर्स, हमारे देश में सामान्य तौर पे हर 5 साल पर इलेक्शंस चुनाव होते हैं। सिटीजन्स अबो द एज ऑफ 18 आर एलिजिबल टू कॉस्ट देयर वेट, ऐसे नागरिक जो 18 साल से ऊपर के हों वो उनका वोट डालने के लिए, मतदान देने के लिए सक्षम होते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन, हम जो है बिना इलेक्शन के लोकतंत्र सरकार की कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर इलेक्शंस नहीं होंगे, अगर चुनाव नहीं होगा, तो लोग जो है वो नेताओं को कैसे चुनेंगे, और जब तक लोग जो है वो नेताओं को नहीं चुनेंगे, तब तक कोई भी देश लोकशाही देश नहीं कहलाएगा। पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले देयर रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, पूरे देश में जितने भी लोग हैं, सभी के सभी लोग जो हैं वो नेताओं को चुनने में, उनके नेता को चुनने में अपना योगदान देते हैं। एनी वोटर ऑफ द कंट्री कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और रिलीजन, कास्ट, क्लास और जेंडर। कोई भी वोटर, कोई भी मतदान करने वाला इंसान जो है देश का, वो चुनाव में भाग ले सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वो जो है चुनाव में भाग ले सकता है। द इलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल फॉर 5 ईयर्स, और जो चुने हुए नेता होते हैं वो जो है 5 साल तक शासन करते हैं। एवरी सिटीजन इंजॉय द फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन ऑफ हीज हर चॉइस, एज वेल एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट्स। भारत के सभी नागरिक जो है वो कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं, कोई भी विचारों, किसी भी प्रकार के विचार को प्रकट कर सकते हैं।